A new topic is blood vascular system of rat what is the meaning of blood vascular system it is a system made up of elaborated branched blood vessel converting fluid indirectly to all the living cells by blood and a muscular contractile pumping organ called heart मतलब क्या है ये एक सिस्टम है जिसके अंदर ब्रांच ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं फ्लूड को इनडायरेक्टली लेकर जाती है सभी लिविंग सेल्स तक ब्लड के द्वारा और इसमें एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम हार्ट बोलते हैं नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होंगे इसके हार्ट होगा आर्टेरियल सिस्टम होगा मीन्स वो सिस्टम जो आर्टरीज से मिलकर बना होगा वीनस सिस्टम होगा जो वेन से मिलकर बना होगा और लास्ट कॉम्पोनेंट इज ब्लड तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं जो है हार्ट हार्ट क्या होता है थिक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का और इसको हम बिजिएस्ट ऑर्गन बोलते हैं बॉडी का तो पहला पॉइंट आता है इसमें पोजीशन एंड शेप कहाँ प्रेजेंट होता है कैसी शेप होती है थिक होता है मस्कुलर रेडिश ब्राउन कलर होता है कॉनिकल ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है मेडिस्टिनम स्पेस में थोड़े कैविटी के दो प्लूराज के बीच में प्लेराज क्या होती हैं कवरिंग होती हैं जो लंग्स को एनक्लोज करती है मतलब वो कवरिंग वो लेयर्स जिनके अंदर जो है लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट की ब्रॉडर साइड है उसको बेस बोलते हैं जो फॉरवर्ड और अपवर्ड होता है जो पॉइंटेड साइड है उसको अपेक्स बोलते हैं जो बैकवर्ड और डाउनवर्ड होता, होता है और थोड़ा सा बॉडी की लेफ्ट साइड की तरफ होता है सेकेंड पॉइंट आता है इसमें पेरिकार्डियम एज यू ऑल नो पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है वो लेयर होती है जो हार्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होती है तो ये थिन ट्रांसपेरेंट टू लेयर सीरस सेक है अराउंड हार्ट इसकी जो इनर लेयर है उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं विसरल टर्म हम हमारे ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं तो अंदर वाली लेयर क्या करेगी जो हमारे ऑर्गन्स को इंक्लोज करेगी आउटर लेयर को बोलते हैं पेरेटल पेरिकार्डियम दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी होती है उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं इस कैविटी में जो फ्लूड प्रेजेंट होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूड बोलते हैं और ये जो फ्लूड है ये दो फंक्शंस परफॉर्म करता है मेनली एक तो ये हार्ट की फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को अलाउ करता है दूसरा ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शौक से देन थर्ड पॉइंट आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हार्ट का जो सर्फेस है उसके ऊपर दो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं उन वो जो दो ग्रुप्स हैं उनके नाम क्या क्या है फर्स्ट है कॉर्नरी स्वल्कस टाटस एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप एंड सेकेंड इज इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप अब फर्स्ट जो कॉर्नरी सल्कस है यानी कि वेंट्रिकुलर ग्रूप है वो है क्या जिससे कि नाम से ही क्लियर है वेंट्रिकुलर। तो ये क्या होगा ओरिकल और वेंट्रिकल के जो बीच में हो प्रेजेंट होगा तो दोनों के बीच में है तो ट्रांसवर्स होएगा ये ट्रांसवर्स ग्रूप है जो हार्ट को डिवाइड करेगा दो पार्ट में एंटीरियर पार्ट को बोला है ओरिकुलर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को बोला है वेंट्रिकुलर पार्ट सेकेंड आता है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव जैसा कि नाम से क्लियर है इंटर वेंट्रिकुलर मीन्स जो वेंट्रिकल के पीच में प्रेजेंट होगा ऑब्लिक लॉन्गिटूनल ग्रूव है जो वेंट्रिकुलर पार्ट की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है एपेक्स जो है इसकी बनी होती है सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब हार्ट की जो अपेक्स है वो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से बनी होती है हर ओरिकल जो है वो प्रोड्यूस होतेगा एक प्रोसेस में हर वेंट्रिकल के फ्रंट में दो ओरिकल होंगे दो वेंट्रिकल होंगे तो जो वेंट्रिकल है उसके ऊपर जो ओरिकल प्रेजेंट है तो वो ओरिकल क्या करेगा एक प्रोसेस को प्रोड्यूस करेगा हर वेंट्रिकल के फ्रंट में जिस प्रोसेस को नाम दिया गया है अपेंडिक्स तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा हार्ट के तीनों डायग्राम है डोरसल व्यू वेंट्रल व्यू एंड लॉन्गिट्यूडल सेक्शन जो इंटरनल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है तो यहाँ पे हमारे ये दोनों ओरिकल्स हैं ये दोनों हमारे वेंट्रिकल्स हैं जैसा कि हमने फर्स्ट ग्रूव की बात करी है इज कॉर्नरी सल्कस दिस वन ट्रांसवर्स ग्रूव जो हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ओरिकुलर पार्ट ऊपर वाला है और वेंट्रिकुलर पार्ट हमारा नीचे वाला है सेकेंड जो ग्रूव की बात करिए हमने वो ये रहा जिसको हमने लॉन्गिटूनल सल्कस या ग्रूव बोला है ये किसके बीच में प्रेजेंट है वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है तो ये हमारे दो वेंट्रिकल हो गए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये है राइट वेंट्रिकल इन दोनों ग्रूव्स के हमने हार्ट के अंदर अभी तक बात की है नेक्स्ट आ हाँ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हार्ट जो है जैसा कि पता है हमें रैट एक है है तो फोर हार्ट होता टू ओरिकल्स और टू वेंट्रिकल्स होते हैं कंप्लीट सेपरेशन होती है ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीनेटेड ब्लड की तो हार्ट जो है यहाँ पे डबल पंप की तरह काम करता है साइनस मिनोस जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है साइनस मिनोस जो है वो वीनस ब्लड को रिसीव कर रही थी रेप्टाइल्स तक लेकिन अब वो कम्पलीटली मर्ज हो जाती है राइट ओरिकल के अंदर तो लार्ज वेन डायरेक्टली ओपन करेगी राइट ओरिकल के अंदर रेट में एक आती है ट्रंकस आर्टेरियोस यहाँ पे जो ट्रंकस आरटेरियोस है वो स्प्लिट कर जाती है दो आर्चीज के अंदर एक होगी सिस्टमिक आग और सेकेंड इज पल्मोनरी आग तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि हार्ट के अंदर दो ओरिकल और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है क्या क्या उनके अंदर कॉम्पोनेंट्स है ये चीज़ें प्रेजेंट होती है तो फर्स्ट इज ऑरिकल जिसको हम एट्रिया भी बोल सकते हैं दो ओरिकल होंगे फर्स्ट एक राइट और एक लेफ्ट दोनों की वॉल्स पतली होगी अभी हम कंबाइन यहाँ पे दोनों ओरिकल्स की बात कर रहे हैं दोनों की वॉल्स जो है पतली होंगी क्यों पतली होंगी क्योंकि उनको जो ब्लड है वो सिर्फ वेंट्रिकल्स तक भेजना है इसीलिए उनकी वॉल्स जो है पतली होंगी सेकंड क्या है दोनों की वॉल्स जो है स्मूथ होगी बिल्कुल सिर्फ नेटवर्क प्रेजेंट होगा रिजिस का और जो वो नेटवर्क है का उसको बोलेंगे पैक्टिनेटी दोनों जो ऑरिकल है उनको सेपरेट करने के लिए उनके बीच में प्रेजेंट होगा वर्टिकल इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम जो क्या करेगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देगा तो ब्लड की मिक्सिंग ना हो उस चीज़ को रोकने के लिए दोनों ओरिकल्स के बीच में क्या होगा सेप्टम प्रेजेंट होगा इंटर ओरिकुलर या इंटर एट्रियल जो सेप्टम है उसके पास एक ओवल शेप का डिप्रेशन प्रेजेंट होगा जिसका नाम है फोसा ओवेलिस और ये जो फोसा ओवेलिस है ये क्या है फिटस के अंदर जो फोरामैन ओवेल प्रेजेंट होता है उसका वेस्टीज है ये जो दोनों ओरिकल को आपस में कनेक्ट करने का, का काम करेगा तो हम दोनों ओरिकल की अलग अलग सेपरेटली बात करते हैं फर्स्ट बात करते हैं हम राइट ओरिकल की राइट ओरिकल क्या करेगा डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा थ्री लार्ज वेन्स के द्वारा सुपीरियर वेना कावे, इन्फीरियर वेना कावे और कॉरे साइनस इन तीनों के द्वारा जो है वो ब्लड को रिसीव करेगा जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा राइट औरिकल है ठीक है राइट ओरिकल मैंने कहा है राइट औरिकल क्या करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्री लार्ज वेंस के द्वारा वो थ्री लार्ज वेंस के जैसा कि मैंने अभी नाम कहे कौन कौन सी है फर्स्ट वन दिस वन सुपीरियर वैना काव्य ठीक है फर्स्ट मैंने ये कही है सेकेंड वन ये है नीचे की तरफ इन्फीरियर वैना काव्य और थर्ड जो है वो हमारी कौन सी है कॉरनरी साइनस है तो ये तीन है जिनके द्वारा जो हमारा डी ब्लड है वो हार्ट के राइट ओरिकल पार्ट में जाता है ठीक है तो सुपीरियर वेना वैनाकाव्य जिसको हम प्री केवल बोल सकते हैं ये हेड से फोर लिम से और चेस्ट के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी इन्फीरियर वैनाकाव्य जिसको हम पोस्ट केवल बोल सकते हैं ये ट्रंक और हाइंड लिम के लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी थर्ड है कॉरनरी साइनस ये हार्ट की जो वॉल्स हैं वहाँ से ब्लड को लेकर आएगी तो ये तीनों वेन्स जो है वो अपना डी ब्लड राइट ओरिकल में डाल देंगी अब यहाँ पे जो इन्फीरियर वैनाकाव्य है इसकी जो ओपनिंग है उसको गार्ड करने के लिए वोल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला है वोल्व ऑफ यूस्टेचियस और जो कॉर्नरी साइनस है इसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए वोल्व जो प्रेजेंट होते हैं उनका नाम है, है वोल्व ऑफ थिबीसियस अब जो हमारा राइट right ओरिकल है वो फर्दर एंटर किस में करेगा राइट right वेंट्रिकल में एंटर करेगा किसकी हेल्प से एंटर करेगा राइट ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर की हेल्प से एंटर करेगा और ये जो अपर्चर है इसको गार्ड करने के लिए वोल्व प्रेजेंट होगा राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वोल्व और जो ये वॉल्व है ये थ्री फ्लैप्स का बना होता है जिनको कस्प्स बोलते हैं तो इसीलिए इनको बोला है ट्राई कस्पिड वोल्फ जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है ट्राई कस्पिड वोल्फ ठीक है थ्री फ्लैप्स का बना होता है जिनको कस्प्स बोलते हैं Uh, और ये जो हमारे वॉल्व uh, है इनका मेनली फंक्शन क्या है ये क्या करते हैं यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को रेगुलेट करते हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो राइट right ओरिकल से राइट right वेंट्रिकल में जाए सिर्फ लेकिन बैक फ्लो ना हो बैक फ्लो जो है ब्लड का उसको रोकेंगे और जो बैक फ्लो है मेनली उसको रोकने के लिए बहुत सारी वाइट कलर की इलास्टिक थ्रेड्स प्रेजेंट होती है जिनको कोर्डे टेंडीने बोलते हैं जो कॉडे में है ये एक्सटेंड करेंगी जो ये ट्राई कस्पीड वोल्व है वहाँ से राइट right ओरिकल की वॉल तक कॉडे ने ये और साथ में जो वोल्व है दोनों मिलकर क्या करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं और यूनि डायरेक्शनल फ्लो फ्लो ऑफ ब्लड को रेगुलेट करते हैं तो ये था हमारा राइट ओरिकल नेक्स्ट आता है लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट ओरिकल क्या करेगा अब राइट right ओरिकल हमारा क्या कर रहा था डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा था लेफ्ट ओरिकल क्या करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा कहाँ से लंग से किसकी हेल्प से रिसीव करेगा पलमनरी वेन कितनी पलमनरी वेन फोर पलमनरी वेन की हेल्प से दो लंग्स होते हैं तो चार पलमनरी वेन की हेल्प से ब्लड को रिसीव करेगा इसके अंदर कोई वोल्व्स प्रेजेंट नहीं होते है. अब जो लेफ्ट ओरिकल है वो हमारा क्या करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन कर जाएगा किसकी हेल्प से लेफ्ट ओरिकुलो वेंटिकुलर अपर्चर की हेल्प से और इसको गार्ड करने के लिए वोल्व प्रेजेंट होंगे लेफ्ट ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वोल्व और यहाँ पे जो ये वोल्व है ये दो फ्लैप का बना होगा इसलिए इनको बाइकस्पिड या मिट्रल वोल्व बोलते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वोल्व दिखाए गए हैं ये है बाइकस्पिड स्पीड वोल्व या फिर मिट्रल वोल्व और ये वोल्व कहाँ प्रेजेंट है हमारे कहाँ प्रेजेंट है अभी मैंने कहा लेफ्ट ओरिक्यूलो वेंटिकुलर जो अपर्चर है वहां पर ये प्रेजेंट है मतलब लेफ्ट ओरिकल को लेफ्ट वेंटिकल में जो ओपन करेंगे क्लियर और ये भी क्या करेंगे सिमिलर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को रेगुलेट करेंगे और बैक फ्लो को रोकेंगे कॉर्डे टेंडीने के द्वारा अब कॉर्डे टेंडिने क्या है अभी हमने पीछे पढ़ा है जैसा कि क्या है कॉर्डिने टेंडीने व्हाइट कलर के इलास्टिक थ्रेड है जो वॉल्व से वो ओरिकल की जो वॉल है वहाँ तक जाती है अब ऑरिकल क्लियर हो गया नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल की वॉल्स जो है थिक होंगी लेफ़्ट वाला ज़्यादा थिक होगा एज कम्पेयर टू राइट क्यों क्योंकि जो लेफ्ट है उसको ब्लड सभी बॉडी पार्ट्स तक भेजना है जबकि जो राइट right है उसको सिर्फ लंग्स तक भेजना है जो क्लोजली प्रेजेंट होते हैं उस वेंट्रिकल uh, के दोनों की वॉल रफ होती है ओरिकल की वॉल हमने पढ़ा था स्मूथ होती है लेकिन इनकी वॉल्स क्या होती है रफ होती है और इनके पास रिजिज और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जो रिजिज हैं इनके पास दो तरीके की होती हैं उनके नाम क्या है कॉलिमने कारनीय जिनको ट्रैबिक्यूले भी बोलते हैं सेकेंड है पेपिलरी मसल जिसको मस्क्यूली पेपिलारिस भी बोलते हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है हमारे रिजिज हैं कॉलिमने कारने है। ये वाली जो रिजिज हैं ये है पेपुलरी मसल्स या फिर जिसको मस्कुली पेपिलरी भी बोल सकते हैं और अभी पीछे हमने जो वाइट कलर के इलास्टिक थ्रेड पड़े थे कोडे टेंडीने ये वो है ठीक है तो ये जो पेपलरी मसल्स हैं यहाँ पे ये एंकर की तरह काम करते हैं जिनके साथ ये कॉडे टेंडीने जो है वो अटैच रहते हैं सिमिलरली दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होगा जो ऑब्लिकली प्रेजेंट होगा मतलब क्या है बिल्कुल वर्टिकल नहीं होगा थोड़ा सा ऑब्लिक थोड़ा सा तिरछा होगा राइट साइड की तरफ होगा तो मिक्सिंग नहीं होगी यहाँ पे भी ऑक्सीनेटिड और डी ऑक्सीनेटिड ब्लड की हार्ट के अंदर अब अलग अलग पढ़ते हैं हम वेंट्रिकल के पार्ट पहला पार्ट आता है राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल क्या है जो राइट वेंट्रिकल है उसके लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर से ओरिजिनेट होएगी पल्मनरी आँख क्या ओरिजिनेट होएगी पल्मनरी आक ओरिजिनेट होएगी ठीक है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पल्मनरी आग जो है वो ओरिजिनेट होएगी फाइन इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था जो हमारी ट्रंकस का से, से दो में डिवाइड कर जाती है पल्मनरी आँख और सिस्टमिक आँख ये देखिए ये यहाँ पे सिस्टमिक आग है और ये वाली जो है ये पल्मनरी है ठीक है जी तो लेफ़्ट एंटीरियर कॉर्नर से राइट right वेंट्रिकल के लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर से राइट right वेंट्रिकल के अराइज होएगी पलनरी आर्क ये देखिए ये हमारा राइट right वेंट्रिकल हो गया सॉरी हाँ राइट right वेंट्रिकल हो गया तो राइट right वेंट्रिकल जो है वहाँ से अराइज होएगी हमारी पलनरी आर्क या पलनरी ओरटा भी हम उसको बोल सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि ये वेंट्रल व्यू है तो वेंट्रल व्यू में हमें दिखाई गई है ये डोर्सल व्यू है यहाँ पे हमें, हमें हमारी जो दूसरी आँग है सिस्टमिक आँग उसको शो किया गया है तो लेफ्ट इंटीरियर कॉर्नर से राइट वेंट्रिकल की ओरिजिनेट होएगी पल्मोनरी आर्क जो क्या करेगी ऑक्सीजन डी जो ब्लड है उसको लेकर जाएगी कहां पर लेकर जाएगी लंग्स तक